أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين انسان اور گناہ ان کی تاریخ آپس میں کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ شاید گناہ کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے. پھر اس گناہ کے بارے میں مختلف مذاہب میں جو اختلاف رائے ہے یا جو نقطہ نظر کا فرق ہے یا ان مذاہب میں گناہ کی پرسپشن کا جو فرق ہے وہ اصل فرق ہے ان مذاہب کے درمیان. وہ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں, اس کی حقیقت کو سمجھے ہیں, اور انسانی وجود کے اندر اس کی گہرائی اور انسانی معاشرے میں اس کی گہرائی کو وہ سمجھے ہیں. یہ پہلی بات. اگر سمجھے ہیں تو پھر اس کا حل وہ کیا پیش کرتے ہیں, یہ ہے اصل مسئلہ, اصل موضوع. عیسائیت میں گناہ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اما حوا نے مشورہ دے کر گناہ کا صدور کروایا. پھر اس گناہ کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا. پھر دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اس گناہ کو لے کر آتا, کاپی ہو رہا ہے وہ گناہ کا, اور اس سے نجات ممکن نہیں, اس لیے کہ سی ڈی برن کر دی گئی ہے گناہ والی. آپ اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لو, خدا کا پیغمبر تسلیم کر لو, اور آپ نے آ کر جو اس گناہ کا کفارہ ادا کیا ہے, مسلوب ہوئے ہیں, تو جو شخص آپ پر خدا کے بیٹے کی حیثیت سے ایمان لے آتا ہے اس کی طرف سے ان کا کفارہ قبول کر لیا جاتا ہے. اب یہ ایک ایسا تصور ہے, نہ تو یہ عقل میں آتا ہے کہ کچھ برے لوگوں کی برائی کا بدلہ
एक अच्छे आदमी को दे दिया जाए। करोड़ों अरबों बुरे इंसानों के गुनाहों के एवज एक मासूम को पकड़कर लटका दिया जाए और कहा जाए कि इनका कफारा अदा हो गया, ऐसा तो इंसानी बनाए हुए कवानीन में भी नहीं। इनके यहां भी जो मुजरम होता है उनको अगर आप जाके दें कि या अमर सलमान भट्ट को छोड़ दें और शहीद अनवर को अंदर कर दें तो वो कर लेंगे। तो इंसानों के बनाए हुए कानून में भी ये खामी है, ये कोई अच्छाई नहीं है, खूबी नहीं है। तो अल्लाह जो हकीम मुतलक है, अकल कुल है, अल आदल है, वो कैसे कर सकता? लिहाजा ये तो समझ में ना आने वाली बात है और उसके नतीजे में फिर उनमें गुनाहों की एक यलगार है। देखें, जब आपकी प्री पेमेंट हो गई है ऑलरेडी तो आप गुनाह क्यों नहीं करेंगे? जब आप टिकट लेते हैं एयरलाइन का तो आपके खाने की पेमेंट उसके अंदर हो जाती है टिकट के अंदर, फिर आपको जो नाश्ता मिलता है, जो लंच मिलता है आपको या डिनर देते हैं वो, तो आप क्यों नहीं खाएंगे? अगर तो पैसे देने पड़े तो फिर शायद आप सोचेंगे कि दो घंटे का सफर है भाई, क्या खाना खाना है, आप वापस कर देंगे। और अगर वो कहें नहीं जी ये तो आपके पैसे दे दिए गए, तो फिर आप कहते हैं रख लें, जो खा सकते हैं वो खा लेते हैं, जो नहीं खा सकते वो आप अपने बैग में डाल लेते हैं। खवातीन के पास चूंकि आमतौर पर होता है ये, तो वो मक्खन की टिक्की शिक्की और वो चीनी शीनी जो है जिसको शुगर हो वो उसमें डाल लेती हैं, फिर चमचे शमचे भी अंदर खिसका लेती हैं, प्री पेमेंट हो गई है ना। लिहाजा जब गुनाह की प्री पेमेंट ईसा अलैहिस्सलाम कर गए हैं तो फिर वो गुनाह क्यों नहीं करेंगे? फिर तो नाइट क्लब जो है वो और ज्यादा याशी करेंगे, ताकि इतना अच्छा आदमी कुर्बान हुआ है तो उसकी कुर्बानी ठिकाने लगे ना, मामूली गुनाहों के वजह तो ना लटके, बड़े बड़े ब्लंडर करने चाहिए, छक्के मारने चाहिए। फ्री हिट है ना, फ्री हिट में आउट तो कोई नहीं। ये उनका तसव्वुर इंतहाई बोदा ज़रा मजहबी तबके ने पेश किया। हिंदुओं के यहां एक और बात, वो कहते हैं कि जी इंसान अपने कर्मों के नतीजे में, अपने आमाल के नतीजे में मुख्तलिफ जिंदगियां पाता है, इसलिए वो बंदे को जला देते हैं कि कोई और खाना खराब इसमें न घुसा है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर अच्छे अमल किए तो किसी अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाएगा, अमीर घर में पैदा हो जाएगा, प्रोफेसर के घर में पैदा हो जाएगा। अगर बुरे अमल किए तो ये कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, बैल भी हो सकता है कि जिस बैल की वो हाल चला रहा है उसका दादा ही हो। लिहाजा उनके यहां इनकी इबादत की जाती है, पूजा की जाती है, यानी वहां एक जिंदगी का हिसाब, हमारे लिए एक जिंदगी का हिसाब ही थरथली मची हुई है, कैसे देंगे भाई? उनके यहां सात जन्म तो नॉर्मल है, इल्ला ये कि कोई इतने अमल करे कि उसे मुक्ति मिल जाए। इस मुक्ति की तलाश में उन्होंने जंगलों का रुख किया है, ना हम इंसानों में रहें, ना हमसे गुनाह हो, ना हमारा अगला जन्म खराब हो। लिहाजा जंगलों की तलाश आपको हिंदुइज्म में मिलेगी। जंगलों में वली अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है, वली अल्लाह की जरूरत सोसाइटी को है, दुकान में, अदालत में। उनके यहां वो तसव्वुर यानी गुनाह के बारे में उनकी परसेप्शन जो है उसने माशरती बगाड़ पैदा कर दिया कि जो भी अच्छा बंदा है उसकी अच्छाई की दलील ये हो कि वो बाजार में ना रहे, वो जंगल में चला जाए। फिर उसको कहते हैं ये योगी है, इसने योग ले लिया। ये वनवासी है, जंगल में रहने वाला है,
उसे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए नेक आदमी के बारे में यह तस्वर, चूंकि हिंदुइज्म बहुत पुराना मजहब है, यह यहूदियत की बाई प्रोडक्ट है, उन्हीं का एक गुमशुदा कबीला है जो अपने साथ यह कायद लेकर यहां आया हुआ। गाय की पूजा उन्होंने की थी, गाय की पूजा ये भी करते हैं। और चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को जलाकर दरिया में फेंका था, वंदुर इला इलाहिक अल्लज़ी ग़ल्त अलैहि आकिफा, जरा अपने उस इलाह का हशर देख जिस पे तू इतने दिन 40 दिन एतकाफ करके बैठा रहा है, लनुहर्रिकन्नहु सुम्मा लनन्सिफन्नहु फिल यम नस्फा, हम इसे जलाएंगे और फिर हम इसको दरिया में बहा देंगे। लिहाजा ये जला के दरिया में बहा देते हैं, बहुत पुराना मजहब है। इन्हीं से मुतासर होकर एक तसव्वुर फैल गया था कि नेक आदमी का मुआशरे में क्या काम है, अच्छा खाने पीने से क्या काम है उसका, फटे कपड़े होने चाहिए, एक आध लंगोट, और अगर बिल्कुल नंगा हो तो और चंगा, यही ना, जितना नंगा उतना चंगा, यानी वो ज्यादा पहुंचा हुआ होता जो कपड़े उतार दे उनके यहां, किसको तो कपड़ों की भी परवाह कोई नहीं है। वो कहते थे माल हाजर रसूल, ये कैसा अनोखा रसूल है, या कुल तहम, खाना भी डट के खाता है, वह यमशी फिल अस्वाक, और शॉपिंग भी करता है, शाम को थैला लेके बाजार भी जाता है, ये कैसा नेक है भाई। तो उनका तसव्वुर भी मसख हो चुका था, इस्लाम ने आकर उस तसव्वुर को दुरुस्त किया। इस्लाम गुनाह को पेश करता है निसियान के तौर पर, यानी असल जो है वो याद है, मखलूक को खालिक की याद होनी चाहिए, मरबूब को रब याद रहना चाहिए, मरजूक को राजिक याद रहना चाहिए, ये नेकी है। और तमाम इबादात उसका मजहर है, ये रखी इसलिए गई है कि पता चले तुम्हें याद है कि नहीं, ये गेज है। और निसियान, निसियान याद का अदम है, यानी जब याद नहीं तो फिर निसियान है, अलग से कोई चीज नहीं, अंधेरा अलग से कोई चीज नहीं है, रोशनी का अदम वजूद उसका नाम अंधेरा है, जहालत खुद कोई चीज नहीं है, इल्म की अदम मौजूदगी जहालत है, लिहाजा उसकी डिग्री कोई नहीं है। हमने देखा ना, इल्म की तो डिग्री होती है ना, जहालत की किसी के पास आपने देखी है डिग्री कि फलां इतना बड़ा जाहिल है, डबल एम ए है जहालत में, इसलिए कि उसका वजूद कोई नहीं। इल्म की अदम मौजूदगी असल में जहालत है, रोशनी की अदम मौजूदगी अंधेरा है, गर्मी की अदम मौजूदगी ठंडक है, ठंडक का अपना कोई वजूद नहीं है। हरारत आप ठंडक को कैसे नापते हैं कि इसमें से इतनी ठंडक गर्मी निकल गई है, ये जीरो है, इसका मतलब है अब इसमें गर्मी जीरो है। तो गर्मी की अदम मौजूदगी ठंडक है, और जिंदगी की अदम मौजूदगी मौत है। जिंदगी वापस ले ली जाती है, मौत। याद जब खत्म होती है तो निसियान, ये गुनाह है, निसियान बजाते खुद गुनाह है। वो बंदा शराब ना पिए, जिना ना करे, काम ना तोले, सिर्फ रब को भूल भी जाए, बाकी दुनिया की हर खूबी अगर उसके अंदर मौजूद है तो भी वो सर से पांव तक गुनाह में। निसियान अपनी जात के अंदर खुद बहुत बड़ी गुस्ताखी है।
इसलिए हजरत बाबू फरमाते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद ए फरमाया हो, यानी हमें मुर्शद ने जो कुलिया दिया है, जो फार्मूला दिया है, वो यह कि तेरी जो सांस अल्लाह की याद के बगैर गई है, उसे रब याद नहीं था, वो काफर मरी है। सागर सिद्दीकी कहता है कि उम्र जितनी बढ़ती है और घटती जाती है। हम कह रहे हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बड़ा नहीं हो रहा होता, वो छोटा हो रहा होता, काउंट डाउन शुरू हो गया है उसकी जिंदगी का। उम्र जितनी बढ़ती है और घटती जाती है, सांस जो भी आता है लाश बन के जाता है। तो लाश से जो बू निकलती है वो कार्बन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लेते, लेकिन बाहर वो वही चीज होती है जो आपके, कोई भी चीज जलती है तो उसे पैदा होती है, अंदर जाती है तो ऑक्सीजन होती है, मरती है बाहर निकलती है तो मुर्दा होती है। तो वो उस तरफ इशारा कर, जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद ए फरमाया हूं, सुनया सुखन गईया कुल अखी, असं चत खुदा वाल लाया हूं, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हो, मरन तू पहला मर गए बहु ता मतलब नू पाया। अनकंसर्न मुर्दा जो होता है वो सब के बारे में अनकंसर्न्ड होता है, उसे नहीं पता कौन ज्यादा रो रहा है, कौन कम रो रहा है, अब ये किस तरह गुजारा करेंगे, बच्चों को स्कूल कौन छोड़ के आया करेगा, लेके कौन आएगा, कापियां कौन खरीदेगा, मास्टरों से कौन जाके लड़ेगा पेरेंट्स मीटिंग के वाले दिन, अब उससे इन चीजों की कोई परवाह नहीं। तो कहते कि हम पहले ही मर गए, हमने हर चीज से ताल्लुक तोड़ ही लिया, क्या टूटा है क्या बना है, हमें से कोई ताल्लुक नहीं। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं 10 साल मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपने कभी मुझे यह नहीं बोला एक दिन भी कि यह काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया, कोई चीज टूट गई है, कोई बात नहीं। तो निस्यान अपनी जात में खुद एक जुर्म है और फिर बाकी गुनाहों का मंबा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते सूरह ताहा में वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, इससे पहले हमने आदम से अहद लिया था, फनासिया तो वो भूल गए। तो गुनाह का पहला जो मरहला है वो निसियान है, फनासिया, और दीन क्या है, वो आहद है, अल्लाह और बंदे के दरमियान अहद है। निकाह क्या है, एक मर्द और औरत के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो उसको शौहर तस्लीम करती है, हेड ऑफ फैमिली तस्लीम करती है, और दोनों की जिम्मेदारियां और उनकी ड्यूटीज जो है और उनके जो फराइज हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज वो उनका तायुन होता है। अगर उसमें यही ना हो कि इनमें दुल्हन कौन है और दूल्हा कौन है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे ना, आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखते हैं कि आंधा चल के इसको पार्टी वन कहा जाएगा और इसको पार्टी टू कहा जाएगा, ये सेकंड पार्टी है ये फर्स्ट पार्टी है। तो जब अहद होता है कि तू हमारा रब है, तू हमारा खालिक है, हमारा वजूद तेरा पैदा करता है, तू जो कहेगा अपने इल्म व हिकमत की बुनियाद पर कहेगा, क्योंकि मैं तेरे इल्म व हिकमत पर ईमान रखता हूं, लिहाजा मैं तेरे किसी हुक्म पर, चाहे वो मुझे कितना भी इलॉजिकल लगे, गैर मंतकी लगे, मैं उस पर एतराज नहीं करूंगा। यह दीन है, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला ईमान अले मन ला अमानत लहु, उस शख्स का ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, वला दीन अले मन ला अहद लहु, और उस शख्स का कोई दीन नहीं जिसके अहद का कोई भरोसा नहीं, अपना वादा पूरा नहीं करता। तो पता चला कि दीन नाम है वादे का, उस वादे की बुनियाद पर जो हमें अता होता है
वो इबादत हैं, मुआमलात हैं, ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे। लिहाजा गुनाह असल में इनहिराफ से शुरू होता है। जब बंदा भूल जाता है तो फिर अगवा हो जाता है, फअतबाहु शैतान, फिर शैतान उसके पीछे, जो बच्चा मां बाप से गुम हो जाता है और रोता फिरता है तो अगवा करने वालों को पता चल जाता है कि ये बच्चा बिछड़ गया है, और फिर वो उसको कहते हैं किधर घूम रहे हो तुम, अब्बू तुम्हें बुला रहे, इधर आओ तुम्हें अब्बू के पास ले जाओ, उसी लालच में फिर वो फंस जाता है उनके चुंगल और अगवा हो जाता है। हमारे यहां भी मजहबी तबके में यही होता है, जब एक बंदे पर गुनाह का पछतावा हमलावर होता है और वो समझता है कि मैं भूल गया हूं, मैंने अपने रब को की नाफरमानी की है, मेरा क्या बनेगा, तो वो रोना धोना शुरू कर देता है और पूछना शुरू कर देता है मेरे अब्बू किधर है, मेरे अब्बू किधर है, मुझे रब कहां से मिलेगा। तो उस वक्त उसको फिर वो जो होते हैं ना मतलब परस्त और उसका इस्तेहसाल करने वाले जो शक्ल जिन्होंने मौलवियों की बनाई हुई होती है, वो उनको फिर पकड़ कर ले जाते हैं, इतने पाउंड्स दे दो, इतना जुर्माना जमा करवाओ, ये 11वीं 12वीं 13वीं दो, फिर ये करो फिर ये करो। वो उस बेचारे का कसूर नहीं, वो तो पलट के रब तक आना चाहता है, दरमियान में ये एजेंट बैठे हुए उसको अगवा कर लेते। इस्लाम उसका सीधा सीधा तरीका ये बताता है कि तुम्हें पछतावा आ गया, जिस लम्हे तुम्हें पछतावा आया है उस लम्हे तुम्हारे पाप धुल गए और तुम्हारा राबता रब के साथ हो गया है, चाहे तुम खेत में हो, अदालत में हो, सड़क पर हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, रात है दिन है, सोए हुए हो बैठे हुए हो, जिस लम्हे तुम्हें रब का ख्याल आ गया है तुम एजेंट ढूंढने मत जाओ, बात करो तुम्हें क्या मसला क्या है तुम्हारा, माफी मांगो, डरने की जरूरत नहीं। इन अतैतनी शिबरन अतैतु कबाअन, तू एक बालिश्त आएगा मैं एक फुट आऊंगा, मैंने सिर्फ तू नहीं आ रहा इधर से मैं भी दौड़ रहा हूं। वाहिन अतैतनी बान अतैतु का जराअन इन अतैतनी मशियन अतैतु का हर वाला, तू चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा, तू मेरा जिक्र दिल में करेगा मैं तेरा जिक्र दिल में करूंगा, तू मजमे में करेगा मैं उससे बेहतर मजमे में तेरा जिक्र करूंगा। दरमियान में कोई एजेंट है तो जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम ने पोप इज्म की जड़ काट दी है और बंदे को डायरेक्ट कर दिया अल्लाह से। ऑनलाइन जिसको देखे ना, जिस मुल्क में निजाम तरक्की करता है हर चीज ऑनलाइन चली जाती है, बिलों की पेमेंट ऑनलाइन हो रही है, आपकी अब गाड़ियों की रिन्यूअल ऑनलाइन हो जाया करेगी। तो ऑनलाइन होना अच्छी बात है ना, बजाय इसके एजेंटों के यहां धक्के जाके खाए जाए। तो इस्लाम बैकवर्ड दीन नहीं है, ये बड़ा फॉरवर्ड दीन है। इस्लाम कहता है ये निसियान है और इसका इलाज क्या है, याद। भाई साहब अंधेरा है तो अंधेरे का इलाज क्या है, हाकी लेके उसके पीछे लग जाओ, नहीं इस तरह तो नहीं निकलेगा। अंधेरे का इलाज रोशनी है, एक चिराग जला दो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मस्जिद के किस दरवाजे से अंधेरा निकल के बाहर गया है। रब की याद का दीप जला लो दिल में, युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, वो इसी तरह अंधेरों से उन्हें रोशनी की तरफ, निसियान से याद की तरफ लेकर आता है। तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए, रब याद आ जाए तो गम गम रहते ही नहीं। वो जो अल्लाह पाक ने फरमाया ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो दुनिया की बात हो रही,
उन्हें किसी चीज का खौफ ही नहीं होता, उन्हें पता है सब कुछ हमारे रब के कब्जे कुदरत में। बेशक अंडा खा लो भाई साहब, कोई असर नहीं करता उस बंदे पर जादू। जिनके अकीदे कमजोर होते हैं ना, वो पहले लिस्ट बनाते हैं किस किस रिश्तेदार के घर दावत नहीं खानी, तवीज ना कर दे। और जरा सी कोई गड़बड़ हो जाए तो मां को फौरन शक पड़ता है कि बहू ने तवीजों का गुच्छा खिला दिया है, बार बार के मुठियां खिलाती है। मेरा बेटा क्या? मेरा बेटा बुरा नहीं था, और मेरा बेटा तो बड़ा बोला था, उसे दुनिया का पता नहीं था, इसलिए मुठियां खिलाई है तवीजों की। नहीं बीबी, उसने जो दम किया है वो दम उस पर पहली बार हुआ है, इतना भी बोला नहीं है। ये बेखौफ कर देती है सब कुछ। वो मुनाफिक आपस में सरगोशियां करते थे ना, तो मुसलमान जो थे ना मुखलस, उनको थोड़ी सी खुदखुतनी लगती थी, टेंशन होती थी उनको, क्या पता नहीं ये क्या मनसूबा बना रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओए इनका ये नजवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्नम नजवा मिन शैतान लियहज़ुनहुम, ये शैतान की तरफ से नजवा है, वो उनसे सरगोशी करवाता है ताकि तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें टेंशन बने तुम्हारे लिए। लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों को टेंशन हो, फिक्र लगे और उनकी तवज्जो नबी से हट जाए। नबी क्या बात कर रहे हैं, उधर से तवज्जो हट के उनकी तरफ हो जाए, वो क्या साजिश कर रहे हैं। फरमाया वलैसा बिदारहिम शैयन इल्ला बिज़्निल्लाह, इनकी सरगोशियां तुम्हें कोई नुकसान, प्लानिंग करने दो, सारी प्लानिंग रब के हाथ में, वहां से ओके होगी तू चलेगी। निसियान का इलाज याद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िकरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये तुम्हारे हर मर्ज का इलाज है, थोड़ा नहीं बहुत जिक्र करो, याद करो और फिर याद रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, दौड़ो अल्लाह की, जब जुम्मे के दिन अजान हो नमाज के लिए तो दौड़ो अल्लाह की याद की तरफ। फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, आ रहे हो तो अल्लाह की याद की तरफ। फसाओ मतलब है जल्दी करो हर चीज, जैसे आदमी कहीं से लेट हो रहा होता है तो हर चीज इस तरह पहनता पता चलता है लेट है, उसके उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि बंदा लेट है। वाजारुल बे, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, जब बेचने वाला बेचेगा नहीं तो खरीदने वाला कहां से खरीदेगा। मक्के में यही होता है ना कि आपने पैसे हाथ में रखे हुए होते हैं और वो शटर खींच देता है, ला 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 खलास, ये है वादारुल बे। फैजा कुदियत सलात फंतशिरु फिल अर्द वबतगु मिन फज़लिल्लाह, जब ये खत्म हो जाए नमाज तो जाओ मुंतशिर हो जाओ, अब तुम्हें इजाजत है जाके अल्लाह का फजल ढूंढो, जिसको हम रिज़्क कहते हैं, रोजी कहते हैं, जाओ रोजी ढूंढो। लेकिन अब वहां जाके क्या करना है, वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब तुम आए थे मस्जिद तो किस तरफ आए थे, इला ज़िक्रिल्लाह, जब यहां से जाओ दुकान में जाओ बाजार में जाओ दफ्तर में जाओ खेत में जाओ खलियान में जाओ जहां भी जाओ, फज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो अल्लाह को कसरत से याद करो, उस फील्ड के बारे में जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पर अमल करो ताकि तुम्हें फलाह मिले। यानी जो चिराग मस्जिद से जलाया है उसको मस्जिद की सीढ़ियों पर ही बुझा के नहीं चले जाना, उस चिराग को ओलंपिक मिसल की तरह रोशन रखना है तुमने, चाहे दरियाओं में सफर करो चाहे हवाओं में सफर करो, वो मिसल का सफर इसी तरह होता है ना, वो उनके देवताओं के नाम पर जलाई जाती है। ये ओलंपिक्स जो होते हैं ये देवता के नाम पर, कोई चीज जब चलती रहती है तो उसका बैकग्राउंड भूल जाता है लोगों को ये क्यों चली, तो वो उसको खुश्की में भी सफर करवाते हैं, हवा में भी सफर करवाते हैं, बाई एयर भी सफर करती है और बाई शिप भी वो सफर करती है, लेकिन वो उसको बुझने नहीं देते। इसी तरह चाहे तुम कहीं भी हो, हवा में हो
समंदर में हो, खुशकी पर हो, घर में हो, दुकान में हो, बाजार में हो, इस याद को बुझने नहीं देना। फनासिया, भूल गए। शैतान ने मुलम्मा करके बात को उनके सामने पेश किया, अल्लाह की कसमें खाई उसने और उनसे इर्तिकाब करवा लिया। वो एक एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि इस्लाम उस चीज को वाजे कर रहा है कि इसकी हकीकत, इंसान की हकीकत और उसका एजाज गुनाह ना करना नहीं है। यानी कोई बंदा गुनाह ना करे ये कमाल नहीं, कमाल ये है कि गिर के उठ जाए। ये वो काम है जो इबलीस से नहीं हुआ, आदम से हो गया। जो मुकाबला हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का, वो गुनाह ना करने का नहीं था, वरना तो इबलीस जीत जाता ना। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से जो इनकार किया था, उससे पहले तो उसने कोई गुनाह नहीं किया था ना। कहीं मेंशन है कि उसने कोई नमाज छोड़ी थी? उसने तो जमीन और आसमान को भर दिया, उसका चप्पा चप्पा भर दिया सजदों से। लेकिन पहला ही टेस्ट था उसका और उसका मसल पुल हो गया, आना कह के गुनाह हो गया था ना। शायर कहता है, खता इबलीस की भी मिसले आदम माफ हो जाती अगर कम वक्त कह देता ये मट्टी की मूरत बड़ी चीज है। बात सारी इतनी सारी थी, वो गिरा है और फिर गिर ही गया है। और आदम का कमाल गुनाह ना करना नहीं है। कहा यह जाता है कि शरीयत में जो चीज भी हलाल होनी थी आइंदा चल के, उसकी हुरमत जो पहले की गई है वो एक्सपेरिमेंटल थी या सजा के तौर पर की गई थी। यानी मुराद उसको हराम करना नहीं था, टेम्परेरीली वो लागू की गई थी किसी कौम को सजा देने के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया ये चर्बी खाओ ये ना खाओ, फला फला किस्म के जानवर मत खाओ। यहूद को फरमाया ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम, वो सरकशी करते थे हम सख्ती करते थे, तो वो सजा के तौर पर उन पर हुरमतें ज्यादा की गई कि ये वाली चर्बी, या तो होना कि बिल्कुल चर्बी नहीं खानी, इल्ला मा हमलत हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, जो हड्डी के साथ लगी हुई है वो जायज है, अंतड़ियों के साथ अंदर लगी हुई है, बुक्के कलेजे के साथ साथ वो, बाकी दूसरी आराम है। अब ये कितनी एहतियात करनी पड़ती होगी कि ये हड्डी के साथ लगी हुई थी या दूर थी, गोश्त पे थी, तो तकलीफ तो हो गई ना उन्हें। फरमाया ये हमने उन्हें, अब भी फॉरमैन के साथ जो बंदा पंगा करता है उसके साथ वो फिर पाबंदियां लगाता है, ये सीधी सारी बात है। जो अरबाब के साथ टक्कर लेता है, अरबाब फिर उसके साथ कुछ ना कुछ करता है सजा के तौर पर, वो उसका मकसद नहीं होता सिवाय सताने के। गंदम हमारे लिए सारी जिंदगी उसने हलाल रहना था, सिर्फ आदम पर क्यों हराम की गई जी? गंदम हराम चीज नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक तजर्बा करवाना था, और करवा के वो दिखाना था, चूंकि आइंदा चल के इंसानियत का पाला इस बला से पढ़ना ही पढ़ना था, ये बहुत जरूरी था कि उसका तजर्बा करवा दिया जाए कि इसका एग्जिट क्या है। एक हराम ना की जाने वाली चीज अल्लाह पाक ने फॉर द टाइम बीइंग उन्हें ये कहा कि ये नहीं खानी, सब कुछ खा सकते हो ये नहीं खानी, अल्फाज भी ये इस्तेमाल नहीं किए कि ये हराम है। उसने कहा, अल्लाह पाक ने कहा था ना ये नहीं खानी, ये मत खाओ, तुम वो वाला खा लो।
ये एक उसने तावील की। खैर हो गया, खा लिया। इबलीस से भी खता हुई, आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गई, तो मुकाबला बराबर हो गया ना। एक राउंड में उसकी पीठ लग गई, दूसरे राउंड में आदम अलैहिस्सलाम की लग गई। आदम अलैहिस्सलाम पलटे हैं, याद आया रब, रोते रहे। वोकैबुलरी में उनके अल्फाज नहीं थे माफी कैसे मांगो, जैसे हमें अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा सिखाई है, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता, हमें तालीम दिया ऐसे मांगो। फतलका आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, अल्लाह पाक ने अल्फाज जहन में डालो, इस तरह माफी मांगो। वो तैयार बैठे थे। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना वलम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बस इतना सादा सा मामला, इतना सादा सा मामला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जिसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बकौल सूली पर लटका दिया गया है। तो भाई कहा, मक्खी के सर के बराबर वो पानी जिसे तेरी आंख महसूस कर ले, तेरे हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी। कहा तू समंदरों की झाग के बराबर ले आ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है माफ करने। काला रब्बो को मुद्दूनी अस्तजिब लकुम वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व याफू अन सय्यिआत व यालमु मा तफ़अलून। ऐसी करीम हस्ती है वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, पलट आना तस्लीम कर लेता है। वह याफू अन सय्यिआत, और सय्यिआत को मुआफ कर देता है। और ये आला रगम इसके है, वह यालम मा तफ़अलून, हालांकि उसे पता है कि तुमने क्या करना है। भाई हमें तो कोई चीट कर सकता है ना, कि बच्चा कह के अंदा मेरे बाप की भी तौबा, मैं अबू बिल्कुल स्कूल का नागा नहीं करूंगा, और हो सकता है फिर वो कर दे, और जब डंडा उठाऊं तो कहे अंदा मैं बिल्कुल होमवर्क करूंगा, बिल्कुल अबू तौबा तौबा अबू जी अंदा नहीं करूंगा, और उसके बाद हफ्ते बाद फिर कर ले। हमें तो चीट किया जा सकता है ना। अल्लाह पाक फरमाता है मुझे पता है तुमने फिर करना है, मैं फिर भी माफ कर देता हूं, जान कर माफ कर देता हूं, हम तो अनजाने में माफ करते हैं। वह यालम मा तफ़अलून, वो अच्छी तरह जानता है तुम क्या करोगे। लेकिन अगर वो बंदा उस लम्हे सादिक है, उस लम्हे मुखलिस है, और उसका इरादा आइंदा गुनाह करने का नहीं है, तो वो सिर्फ ऐसे माफ नहीं होता कि किसी फोल्डर में अल्लाह पाक भेज दे उसको फिर रिस्टोर कर दे। कहा हम ऐसे माफ करते हैं कि तेरे नामा अमाल से भी मटा देते हैं, जिस जमीन पे किया है उस जमीन से भी मटा देते हैं, और जो लिखने वाले फरिश्ते हैं उनकी मेमोरी से भी हम मटा देते हैं, ताकि वो तेरे खिलाफ गवाही ना दें। फिर आगे चल के अगर कोई गुनाह सरजद हो गया है तो वही लिखा जाता है जो तुमने किया, पिछला रिस्टोर नहीं किया जाता। ये शान उस माफी की। हम तो किसी रिश्तेदार को माफ अगर कर भी दें और आइंदा फिर वो कोई गलती करे तो हम अंदर से ब्रीफकेस खोल के फिर ले आते हैं पुरानी फाइलें सारी, इसने ये भी किया था, इसने ये भी, वो पहले तो माफ कर चुके हो भाई, सुलह हो चुकी है तुम्हारी, लेकिन हम उनको जाया नहीं करते। फरमाया मैं इस तरह माफ नहीं करता हूं, तुम्हारे माफ करने में मेरे माफ करने में फर्क है, मुझे पता है तुम क्या करोगे, मैं फिर भी माफ कर देता, इसलिए कि इंसान माहौल से मुतासर होता है। तो इस्लाम उसको निसियान के तौर पर पेश करता है कि मुसलमान निसियान, जरा सा उसका राबता रब के साथ कटता है और शैतान का वार चल जाता है। जब तक उसका राबता रब से रहता है वो इलाही इल्हामात कबूल करता है, सिग्नल रहमानी सिग्नल कबूल करता है। जो ही वो राबता उसका कटता है, निसियान तारी होता है, तो फिर
शैतानी सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो उनको कबूल करना शुरू कर देते। कहा अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद रखो। गुनाह जो है वो असल में उस बैलेंस को मुतासर करता है जो आबिद और माबूद, खालिक और मखलूक, राजिक और मरजूक, रब और मरबूब के दरमियान। अल्लाह के किसी हुक्म को तोड़ देना असल में अल्लाह की हिकमत पर एतराज है कि इस काम में तो मेरा फायदा था, खामखा अल्लाह ने मुझे रोका हुआ था। सूद से तो मुल्क चलते हैं, खामखा अल्लाह पाक ने आराम किया हुआ। सूद के बगैर भी बिजनेस हो सकता है। कुरान कहता है कि सूद बेड़ा गर्क कर देता है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह पाक सूद का मठ मार देता है यानी पट्ठा बैठा देता है। वह यूरबिस सदकात, और सदकात को पालता है। यूरबिस ये रब इसी से बना ना, वह यूरबी पालता है अस सदकात, सदके को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम इखलास से जो सदका देते हो और वो खजूर की गुटली के बराबर हो तो रब उसे अपने हाथ में लेता और पालता, और तुम कयामत के दिन उसको ओहद पहाड़ के बराबर देखोगे। फिर लोग मिसालें देने लगे, वो जी जब ये जो टॉक्स होते हैं ना हमारे यहां, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि देखें जी कुरान में, मौलवी कोई बोलता है ना कि जी कुरान में अल्लाह पाक ने यूं कहा, तो वो फौरन कहते हैं यार तुमने दुबई को नहीं देखा, वो तो तरक्की कर रही है, क्या हाल है उसका, और तुम अपने यहां इस चीज को लेके मौलवी साहब जो है ये पीछे चमट के बैठे हुए 1400 साल, और सिंगापुर को देखो और फलां को देखो, सबका बेड़ा गर्क हुआ है कि नहीं हुआ। वो देर लगती है, बात रब की सच्ची है, बात रब की सच्ची है, जो जितना देर से डूबता है उतना गहरा डूबता है, ज्यादा वजन होता है। दुनिया की मैशत हिल के रह गई है कि नहीं रह गई, जापान समेत सारे सबका बेड़ा गर्क हुआ था कि नहीं हुआ था, सारी मैशतों की दौड़ लग गई थी। तो पता चला कि अल्लाह पाक की हिकमत पर एतराज होता है ये गुनाह, लेकिन इस्लाम इसको इतना सीरियस नहीं लेता, इसलिए कि इसका फौरी हल तुम्हारे अपने पास है, किसी पंक्चर लगाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। निसियान का टायर उतारो, याद की स्टिपनी लगा लो, लम्हे की बात है ना। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम, तो क्या करते हैं फिर, ज़िक्रुल्लाह, उनसे बेहयाई का कोई काम हो जाए या अपनी जान पर जुल्म कर बैठें, उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, ओए मैं क्या कर बैठा। जो ही शैतान जब बंदे से गुनाह करवा लेता है तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती है बंदे पर। गुनाह से पहले उसने जकड़ा हुआ होता है उसको, सिग्नल में जरा कमी नहीं आने देता। जब गुनाह सादिर हो जाता है बंदे से तो फिर वो छोड़ता है, और फिर बंदे पर पछतावे का एक शदीद हमला होता है। मैंने क्या करता, ज़िक्रुल्लाह, उन्हें अल्लाह याद आ जाता है कि इस मर्ज का एक डॉक्टर भी है। ज़िक्रुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, वो माफी मांगते हैं अपने गुनाह की। इसलिए कि हमारा गुनाह अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो हम ही को नुकसान देता, वो हमारा अपनी जान पर जुल्म। ज़िक्रुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है वो मैं यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, गुनाह अल्लाह के सिवा माफ भी कौन कर सकता। यानी वो शानदार तरीके से माफ करना, हमारे वाला नहीं कि ब्रीफकेस बार के अंदर रखा हुआ है अभी,
वो माफ करना कि शर्मिंदा भी ना करे, याद भी ना दिलाए। وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا। آدم علیہ السلام نے اصرار نہیں کیا، شیطان نے اصرار کیا اپنے گناہ پر۔ یہ فرق ہے انسان کا اور شیطان کا۔ گناہ لگا ہوا ہے، گناہ ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا، گندا ہوا ہے، نماز کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی، صدقے کے ساتھ بھی۔ من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك۔ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو گناہ جڑا ہوا کہ نہیں جڑا ہوا؟ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو سمجھتا کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ نہیں، نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میں محفوظ ہو گیا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں تو میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مردوں میں بدترین صف آخر کی صف ہے اور عورتوں میں بدترین صف اگلی صف ہے۔ کیوں؟ مردوں کے قریب ہو گئی ہے نا، فتنہ بن گئی ہے نا۔ اب مرد جو ہے جس کو پتا کہ میرے پیچھے عورتوں کی صف ہے، بڑا سمارٹ ہو کے نماز پڑھے گا۔ تو یہاں بھی کہا کہ عورت جو ہے وہ اگر بھول گیا ہے امام صاحب، اور عورت لقمہ دے، عورت کو پتہ ہے بھول گیا ہے، تو کہا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے، سبحان اللہ نہ کہے، اس کی آواز سطر ہے، مولوی صاحب کا بیڑا غرق نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے، مرد سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر نہ کہیں۔ اللہ اکبر کمانڈ ہے اور کمانڈ صرف امام دے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ امام اگر بیٹھ گیا غلطی سے یا اٹھ گیا تو مقتدی شور میں جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نہیں بھائی صاحب، اللہ اکبر وہی کہے گا جس کی ڈیوٹی ہے، تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، کہ صرف اللہ نہیں بھولتا، بندے بھولتے۔ دیکھا آپ نے حکمت کیا ہے؟ کہا کہ جب بندہ اوپر چڑھے چڑھائی پہ تو کیا کہے؟ اللہ اکبر، میں کتنا بھی چڑھ جاؤں میرا رب بڑا ہے۔ اور جب نیچے اترے تو کیا کہے؟ سبحان اللہ، تنزل سے میرا رب محفوظ ہے، بندے کو عروج و زوال ہوتا رہتا ہے، زوال صرف میرے رب کو نہیں آتا۔ اور جب امام بھولے تو سبحان اللہ کہو کہ صرف رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا قصور نہیں ہے امام صاحب، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، آپ بھول گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تعریف اور امام کو حوصلہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بھولتا نہیں ہوں، میں بلایا جاتا ہوں، لیکن یتسنن لکم، تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے، مولویوں کے لیے سپیس نکل آئے، ورنہ لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں، مولوی صاحب کیا کرتے رہتے ہو مصلے پہ تم، بھائی کیوں بھول گئے ہو؟ اب مولوی صاحب کے پاس ایک شیلڈ ہے، میرے نبی بھی بھولے تھے، آپ بھی درمیان والی تحیات نہیں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے بھی تین رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تھا، تو مولوی صاحب کو بھی تحفظ دیا، جو سب سے پہلے امام ہے سمت کے، وہ امام المرسلین ہے، رسولوں کے امام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا کہ یہ گناہ ایسا وائرس ہے کہ یہ ہر جگہ حملہ آور ہو جاتا ہے، لہذا اس کا علاج بھی بالکل اسی طرح ساتھ رکھا کرو جیسے شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب چینی کی پوڑی جیب میں رکھا کرو، اس لیے کہ یہ جو شوٹ کرتی ہے نا تو یہ ڈاؤن بھی اسی طرح کرتی ہے۔ یہ شوگر جب گرتی ہے تو پھر گرتی بھی اس طرح ہے کہ بالکل ایئر پاکٹ کی طرح دڑم کر کے، یہاں بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا بےچارے سے، ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، یعنی جب اس کی ڈاؤن ہوئی ہے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کمرے میں لے جاؤں، وہاں چینی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ میرے جو موزن تھے حافظ صاحب، اللہ پاک جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے، ان کو شوگر تھی تو وہ رکھا کرتے تھے، تو وہ کمرے میں لے گئے ان صاحب کو اور ان کو انہوں نے شوگر دی تو ٹھیک ہو گئے۔ وہ تو بتا رہے تھے کہ ان کے منہ سے ڈراونی آوازیں نکل رہی تھی، یہ نہیں بتا سکتا مجھے تکلیف ہے، تو
तो वो रो रहे थे, जिस तरह ख्वाब में बंदा रोता है इस तरह आवाजें निकाल रहे थे, तो उन्हें लेकर गए और उन्होंने उन्हें छू कर दी तो ठीक हो गए। तो गुनाह चूंकि किसी जगह भी हमला आवर हो सकता है, लिहाजा इसकी दवाई घर ना रख के जाया करो। जिनको शुगर होती है वो गोलियां और बेशक भूल जाएं, पताका भूल जाएं, गोलियां नहीं भूलते, कि जहां भी दावत पे जाना है वहां या इंजेक्शन साथ लेके जाते हैं। इसी तरह भाई साहब, क्योंकि गुनाह हर जगह हमला आवर हो सकता है, लिहाजा इसकी गोलियां साथ लेकर जाया करो। और इसकी गोली कह तौबा, वो जो आदम अलैहि सलाम ने की, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये आज भी तौबा क्यामत तक भी रहेगी। इस्लाम किस तरह पेश करता है? इस्लाम यह कहता है कि अल्लाह पाक को एक मासूम मखलूक नहीं चाहिए थी कि जिसे गुनाह ही ना हो। वो तो थी ऑलरेडी, फरिश्ते थे ना, कभी गुनाह नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की कभी नाफरमानी नहीं करते, नेवर नेवर। वयफअलून मा युमरून, और वो 100% वही करते हैं जो अल्लाह उनसे कहता है। तो वो मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से थी। जब अल्लाह पाक ने उनके लिए बैतुल मामूर बनाया सातवें आसमान पर तवाफ के लिए, तो पहली चौकड़ी जो फरिश्तों की दाखिल हुई वो 50,000 की थी, बाज रवायत में 70,000 की थी। और हुजूर फरमाते हैं वो जो पहली चौकड़ी दाखिल हुई थी, कियामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। हर लम्हा नई चौकड़ी दाखिल होती है। कितनी मखलूक है। हुजूर ने सहाबा से फरमाया मदीने में, जो मैंने सुना है तुमने सुना है? कहा कि अल्लाह के रसूल हमने कुछ नहीं सुना। आपने फरमाया आसमान चिरचिराया है जैसे चारपाई पर कोई वजनी बंदा बैठता है ना, तो उसकी आवाजें निकलती हैं। कहा कि आसमान चिरचिराया है, और फिर आपने फरमाया आसमान भी क्या करे, उसमें चप्पा जगह खाली नहीं है जहां कोई ना कोई फरिश्ता खड़ा है, क़याम में या रुकू में या सजदे में पड़ा हो। तो भाई साहब, मासूम मखलूक से आसमान भरे हुए हैं उसके। अल्लाह पाक इंसान को बना के एक बार भी नहीं पछताया कि ये क्या बला बना दिया मैंने। उसका मकसद ही मासूम मखलूक बनाना नहीं था, गिर गिर के उठने वाली बनाना मकसूद था। जो मेरा दामन पकड़े, जिद करे, रोए, माफी मांगे। मुस्लिम शरीफ की आखिरी हदीस पता है क्या है? लो लम तजनबू, अगर तुमसे गुनाह ना हो। सही तर्जमा यह कि अगर तुम गुनाह ना करो। मैं इसलिए सही तर्जमा नहीं करता कि फिर लोग दौड़ लगा देंगे मस्जिद से निकल के गुनाह करने जा रहे। भाई साहब, करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमसे होते ही इतने हैं। नमाज में लगे हुए हमारे साथ, रोजे में होते हैं, एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट कहते ही उसको है जो हो जाता है। तो वो तो मर्डर हो गया ना। अगर नियत करके करोगे तो वो बगावत हो गई। जानबूझ के बंदे पे गाड़ी चढ़ाओगे तो ये कत्ल है। गधे को बचाते हुए 10 बंदे भी मर जाएं, जैसा कि हमारे यहां होता है, या कुत्ते को बचाते हुए 2-4 बंदे मर जाएं, तो एक्सीडेंट होता। नियत नहीं थी उसकी। वो तो कुत्ते को बचाना चाहता था, बंदों को कैसे मार सकता था वो? लेकिन लिखा हुआ इस तरह था। तो फरमाया अगर तुमसे गुनाह सरजद ना हो तो अल्लाह पाक तुम्हें ले, ज़हब अल्लाहु बिकुम, अल्लाह तुम्हें ले जाए। फिर वो मखलूक पैदा करे जिससे गुनाह हो, वो गड़गड़ाएं, वो रोएं, माफी मांगे, रब उनको माफ करे। ये अना है ना, अना, वो द बिग आई एम, वो फाइनाइट, इनफाइनाइट। जब नमाज में हम आते हैं तो वो महदूद और गैर महदूद अना, वो गैर महदूद अना उस बड़ी अना के आगे सजदा करती है, सरेंडर करती है। ढेर सारी मलकियतें अल्लाह पाक ने हमें दी हैं जो हमें मगरूर बना देती हैं। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा कंपनी, मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा 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 आके जब सर रखता है रब के सामने, तो अल्लाह को कितना सुकून मिलता है। उसकी अना की कितनी तसल्ली होती है, उसकी अना तस्कीन चाहती है। इसलिए फरमाया उम्मे सलमा, जितनी खुशी तुम्हें मेरे आने से होती है ना,
उससे ज्यादा खुशी अल्लाह पाक को किसी गुनाहगार के पलट आने पर होती है। जब इतनी बड़ी गाड़ी वाला बंदा, लाखों दिरहम की गाड़ी वाला बंदा जब रेत पर गाड़ी साइड पे करके रात सारा अपना रेत पे रख देता है रब के सामने, तो गाड़ी उसके साथ तुलती है। इसलिए कि इन चीजों में बड़ी कशिश है, ये बंदे को रब से रोकती है, और जब बंदा इनको छोड़ के रब के सामने सर रखता है तो ये बंदे के दाएं पलड़े में तुलती है। इसको देखो, इसकी गाड़ी को जरा देखो, हमारे यहां तो 82 की मजदा ही नहीं मान पाई साहब, वही नमाज छोड़ देते हैं जो गाड़ी लेते हैं, और ये देखो 2011 की क्रोजर लिए बैठा है, और सर देखो इसे ये एहसास नहीं कि रेत मेरे माथे को लग रही है, कैसे सुकून से उसके सामने इसने रखा हुआ। हाँ, तोलो इसकी गाड़ी को, तोलो इसके साथ, इसलिए कि ये गाड़ी छोड़ के आया है। तो भाई साहब, इस्लाम ये कहता है कि अगर निकल गए हो ट्रैक से वापस, देखे ना जो सड़क बनाने वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि यहां आके बंदा कंफ्यूज हो सकता है, गलत ट्रैक पे भी चढ़ सकता है। बाद दफा आपने पेट्रोल, आप जो दुबई के अंदर घुस जाए, एमिरेट्स रोड पे भी चले जाए, तो बाद दफा ऐसा होता है कि जो सर्विस स्टेशन होता है या पेट्रोल पंप होता है वो सर्विस रोड पे होता है, बंदा गलती से उधर घुस जाए फिर एंट्री कोई नहीं होती उसकी। अल्लाह पाक ने हर जगह एग्जिट रखा है, जिस जगह गुनाह हुआ उसी जगह तेरा एग्जिट है, तौबा कर लो। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।